दोस्तों भारत में होने वाले सिम फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, जिसके तहत दोस्तों मासूम लोगों को शिकार बनाया जाता है, उनका अकाउंट खाली कर दिया जाता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को ऐसे फ्रॉडस्टर से बचाने के लिए नए सिम रूल्स आ चुके हैं, खास करके ये डीलर्स के लिए। अभी दोस्तों कोई भी आंडू पांडू यहाँ पे सिम डीलर बन जाता था दोस्तों, यहाँ पे उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी और दोस्तों किसी भी फ्रॉड्स को यहाँ पे बल्क में मैं सिम बेच दिया करता था, और ये जो फ्रॉडस्टर हुआ करते थे इस तरह के बल्क में सिम परचेस करके आप जैसे बोले लोगों को चूना लगाते थे। अब दोस्तों भारत सरकार यहाँ पे एक नया कानून लेके आ चुकी है, जिसके तहत यहाँ पे जो सिम डीलर होंगे उनका मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यस पुलिस वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक्स होगा, जिसके तहत यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये ऑथेंटिक दोस्तों डीलर है। और बल्क में जो सिम परचेस किए जाते थे इनको भी दोस्तों बंद किया जा रहा है, बल्क में कोई परचेस नहीं कर सकेगा। उसके साथ साथ दोस्तों बात की जा रही कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी सरकार ने दोस्तों यहाँ पे 52 लाख से ज़्यादा दोस्तों बात की जा रही है फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स, किसी दूसरे के नाम पे जो सिम लिया था वैसे दोस्तों लोगों का एक्ट पकड़ा गया, उसमें दोस्तों 67,000 सिम डीलर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है। उसके साथ साथ बात की जा रही 300 पे FIR की गई, जेल में डाला गया है, और दोस्तों बात की जा रही 17,000 हैंडसेट जो चोरी के थे उन्हें पकड़ा गया है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हो रही है, दोस्तों क्या है पूरी खबर उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में, प्लीज़ बना रहे स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल डिजिटल युग में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, खास करके आपका सिम, बहुत सारी सिम रिलेटेड दोस्तों मुझे प्रॉब्लम सुनने को मिलती है। लोग बोलते हैं सर हमारा बैंक खाता खाली हो गया, मैं कॉल आया था फलाना डिगना, स्कैमर्स दोस्तों अटैक करते रहते, कभी आपको लोन के नाम पे, कभी सिम के नाम पे, कभी दोस्तों KYC के नाम पे कॉल आते रहते, और ये जिस नंबर से कॉल करते हैं ना तो फ्रॉडलेंट दोस्तों ये लोग अलग अलग नंबर ले लेते हैं, बल्क में नंबर इनके पास होते हैं, फेक अकाउंट्स दोस्तों कहते हैं इनके, यहाँ तक कि वॉलेट जो होते हैं वो भी फेक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी फेक होते हैं सबके सब, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता दोस्तों यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों सेफ्टी देने के लिए सरकार नए सिम कानून यहाँ पे लेके आई है, जहाँ पे खास करके जो सिम कहाँ से निकलता सबसे पहले डीलर से, तो डीलर जो है उनको दोस्तों यहाँ पे रेगुलराइज किया जा रहा है दोस्तों। यस जितने भी दोस्तों सिम डीलर होंगे उनको दोस्तों यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सेंट्रल मैक्स पॉलिसी वेरिफिकेशन दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ सिम डीलर्स मैंडेटरी हो गया। अब सिम डीलर वो बड़ा हो या छोटा उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी कि ये कैसा बंदा है। डिसकंटिन्यूस बल्क कनेक्शन टू कॉप फ्रॉड, दोस्तों डिसकनेक्शन कर दिया दोस्तों बल्क में जो सिम परचेस करते हैं ना ये अब यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलेगा कंपनीज को। द सेंटर अनवील द न्यू रिफॉर्म्स इन द टेलीकॉम सेक्टर, नए रिफॉर्म्स दोस्तों यहाँ पे लेके आ चुके हैं, जहाँ पे प्रोटेक्टिंग मोबाइल सब्सक्राइबर्स, आप जिससे सब्सक्राइबर को बचाने के लिए फ्रॉड दोस्तों जो होता रहता है डिजिटल इकोनॉमी को दोस्तों जो यहाँ पे नुकसान करता है इसको दोस्तों बचाने के लिए मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन सिम डीलर का कर दिया है। सिम डीलर्स जितने भी होंगे उनका मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और बल्क में जो दोस्तों यहाँ पे SMS परचेस जो सिम परचेस किया था इनको डिसकनेक्शन करना चालू कर दिया, जो फेक लग रहे हैं उनको दोस्तों डिसकनेक्ट कर दिया है। वेल फोकस ऑन द प्रोटेक्शन यूनियन दोस्तों मिनिस्टर हमारे हैं IT मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव बता रहे किस हिसाब से हमें फोकस करें, कैसे यहाँ पे साइबर फ्रॉड को कम करना चाहते हैं, खास करके जो इस तरह के फोन पे कॉल्स आते हैं ना वैसे इन साइबर जाम तारा वाले केस दोस्तों, यस वो हजारों सिम रखते हैं अपने पास फ्रॉड किसी दूसरे के नाम पे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे मैंडेटरी किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन डीलर का। उसके साथ साथ जो बल्क में परचेस करते हैं उनको रोक लगाई जाएगी यहाँ पे। बात की जा रही डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों ऑलमोस्ट कितने 52 लाख कनेक्शन दोस्तों डिसकनेक्ट किए यहाँ पे, डीएक्टिवेट कर दिए, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट के हिसाब से लेके रही, जो फोस्टर होते नहीं खुद के नाम पे नहीं लेते, स्कीमर खुद के नाम पे नहीं किसी दूसरे के स्कीम डॉक्यूमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं से लेके सिम ले लेते और उसके नाम पे फ्रॉड करते हैं दोस्तों, और सिम पकड़ा भी जाता तो कोई दूसरा था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दोस्तों बात की जा रही है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 52 लाख दोस्तों कनेक्शन को डीएक्टिवेटेड किया ड्यूटी ने 52 लाख, और उसमें से बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे 367,000 डीलर्स जो थे दोस्तों उनको ब्लैकलिस्ट किया गया, 67,000 ऑलमोस्ट 70,000 डीलर्स, पता है कोई भी आंडू पांडू बेच जाता है आजकल सिम की दुकान बेच के, उसका खुद का पुलिस रिकॉर्ड होता है लेकिन कोई देखता नहीं है, लेकिन अब दोस्तों ऐसे लोगों पर नकल लगा जाएगी। 67,000 सिम डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया और उन पर 300 FIR दर्ज की गई, जेल में डाल दिया गया 300 200 उसमें से, हालांकि नंबर बहुत छोटा लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 17,000 हैंडसेट हैव बीन ब्लॉक दोस्तों, 17,000 हैंडसेट को ब्लॉक किया गया, और दोस्तों यहाँ पे
जो चोरी के थे ज़्यादातर कंप्लेन आई थी, 17,000 को ब्लॉक कर दिया। और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, 67,200 व्हाट्सअप अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। व्हाट्सअप अकाउंट दोस्तों जांच करके, व्हाट्सअप से दोस्तों आजकल फ्रॉड होते हैं यहाँ पे, उसको बंद किया गया, स्पैमिंग वगैरह फैलाते हैं। उसके साथ साथ बात की जा रही है दोस्तों 8,00,000 पेमेंट वॉलेट्स को दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक किया गया। पेमेंट वॉलेट्स जिसके अंदर पैसा लिया जाता था इन्फ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, इन सारी चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे किया जा रहा है। सरकार दोस्तों बड़े लेवल पे सारी चीज़ें कर रही है। साइबर सिक्योरिटी दोस्तों यहाँ पे एनहांस की जा रही है। और ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ना, खास करके सिम के थ्रू आपको फ्रॉड करते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग दोस्तों डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कौन हमें करेगा, क्योंकि जो डीलर होते हैं इन्हीं के घर के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग सिम परचेस कर लेते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर, और उसके बाद दोस्तों आपको चूना लगाया जाता है। इनका बेस जो होता है वो सिम होता है जिसके थ्रू आपको कॉल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों बंद करने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने दोस्तों बेस से ही शुरुआत कर दी है। सिम डीलर्स पर दोस्तों कार्रवाई होगी, और यहाँ पे सिम डीलर्स होंगे तो जो सिम बेचते हैं भारत में उन सबको ट्रैक किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी है, यहाँ तक कि बायोमेट्रिक्स होगा। अगर मैं सिम ले लूँ, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा, मेरा बायोमेट्रिक्स होगा, तब जाके मुझे दोस्तों यहाँ पे एजेंसी मिलेगी। और उसके बाद इन पर नकेल लगाई जाएगी बल्क में दोस्तों। ऐसे में बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं दे सकेंगे, सिम नहीं बेच सकेंगे। अगर दोस्तों कोई यहाँ पे बल्क में बेचता तो ये बड़ी कंपनी यहाँ पे होगी। सिम दोस्तों खरीदने वाली जो कंपनी होगी उसको अलग अलग चीज़ें देनी पड़ेगी यहाँ पे, उनका GST नंबर वगैरह फलाना डिगना। अगर देखो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है टेली मार्केटिंग कंपनी, उनको मिलेगा, लेकिन उनकी सारे का सारा डेटा सरकार के पास होगा। और वहाँ से कुछ कांड होता तो उन पर भी एक्शन यहाँ पे होगा। तो बहुत बड़ी चीज़ दोस्तों निकल कर भारत सरकार दोस्तों यहाँ पे बड़ा कानून यहाँ पे लेके आ चुके, नए रिफॉर्म दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे आ चुके, जिसके तहत अब यहाँ पे जो बेस होगा सिम डीलर्स का इसे ही रिफाइन कर दिया जाएगा। जितने भी दोस्तों डीलर्स होंगे उनका बायोमेट्रिक्स होगा, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और उसके साथ साथ जो बल्क में जो सिम बेचे गए उनको डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा जो फेक डॉक्यूमेंट्स के नाम पे किए गए, अगर आप जेन्युइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना ट्रैक किया जाएगा सारी चीज़ों को दोस्तों। अगर कुछ भी गलत यहाँ पे होता तो उस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा, और उसको दोस्तों जेल भेजा जाएगा। FIR दोस्तों यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर जहाँ पे सरकार बहुत बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पे कर रही है। नए सिम रूल्स आ चुके हैं जिसके तहत आने वाले टाइम के अंदर धीरे 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 दोस्तों फेक कॉल्स की जो बाढ़ आ चुकी थी इसे कम किया जाएगा। वैसे लोगों को जेल में डाला जाएगा, वैसे सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा, वैसे लोगों को जेल में डाला जाएगा। मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है सरकार का कदम कैसे लगा। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो लगाओ थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ, उन्होंने नेक्स्ट चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2,00,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे, तो दबा दीजिए। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दोबारा से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटी के बटन को तोड़ दीजिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।